यूपी बोर्ड हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में सम्मिलित हुए छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आया है। तो दोस्तों, इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट कितने दिनों में आएगा, रिजल्ट कब आएगा? यूपी बोर्ड परीक्षाएं जोर शोर से चल रही हैं। ये परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू हो चुकी हैं और हाई स्कूल की परीक्षाएं 3 मार्च को समाप्त हो जाएंगी, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षाएं, यूपी बोर्ड परीक्षा 4 मार्च को समाप्त हो जाएंगी। इसका मतलब 4 मार्च तक सारी परीक्षाएं यूपी बोर्ड की समाप्त हो जाएंगी और इसके बाद 10 मार्च से मूल्यांकन कार्य प्रारंभ किया जाएगा। ऐसा दोस्तों उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सूत्रों की तरफ से अनुमान लगाया जा रहा है कि मूल्यांकन कार्य लमसम 10 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा और हमारी कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इस प्रक्रिया को दोस्तों लगभग 22 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा, यानी कि 22 मार्च तक मूल्यांकन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। इसके बाद डेटा अपलोडिंग और रिजल्ट तैयार करने का प्रोसेस चलेगा उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं का। तो 10 मार्च से मूल्यांकन कार्य शुरू होगा और इस तरह से अगर अनुमान लगाया जाए तो दोस्तों अप्रैल के पहले या दूसरे सप्ताह तक रिजल्ट जारी हो सकता है, दूसरे सप्ताह तक रिजल्ट जारी होने की प्रबल संभावना रहेगी। तो दोस्तों ये आप समझ लीजिए कि इस बार जल्दी से परीक्षाओं को कराया गया है तो रिजल्ट भी जल्दी आएगा। इस जानकारी को दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह की अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाना।